स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आईएसआईएस या इस्लामिक स्टेट, एक ऐसा आतंकवादी संगठन जिसने एक टाइम पर पूरे दुनिया में दहशत फैलाकर रखी हुई थी, एक ऐसा आतंकवादी संगठन जिसने थाउजेंड्स ऑफ किलिंग्स की, जिसने 500 से ज्यादा लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए और जिसने ऐतिहासिक मस्जिदों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। मास शूटिंग्स हो या मास किलिंग्स, या फिर लोगों की भीड़ को ट्रक से कुचलवाना हो, ऐसा कोई दहशत भरा काम नहीं जिसे आईएसआईएस ने ना किया हो। जिसने 2015 के अपने पीक पर 1/3 ऑफ सीरिया और 40% इराक पर कब्जा कर लिया था और अमेरिका समेत दुनिया की कई एलीट फोर्सेस को धूल चटा दी थी, लेकिन उस आईएसआईएस के साथ आखिर ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हुए जिससे उसको साल 2017 तक आते आते अपनी 95% टेरिटरी को लूज करना पड़ गया? $1 बिलियन सालाना कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्यों मछली पाल कर अपना गुजारा करने लगी? और आखिर ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया भर में आतंक का दूसरा नाम कही जाने वाली आईएसआईएस आज सिर्फ चंद मिलिटेंट्स का ग्रुप बन के रह गई है? स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में, अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आईएसआईएस के राइज से लेकर उसके फॉल की पूरी कहानी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से केरला स्टोरी विवादों में आई है तब से आईएसआईएस ऑर्गेनाइजेशन फिर से चर्चा का विषय बन गई है। साथ ही ये टॉपिक यूपीएससी मेंस पेपर 3rd के इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट के लिए भी जरूरी हो जाता है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल आईएस की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा, साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS Live Prelims to Interview 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप AN Live कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमें आईएसआईएस का ओरिजिन साल 2003 के इराकी वॉर के रूट्स में दिखाई पड़ता है, जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के शासन को खत्म कर वहां एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया और इसी वैक्यूम ने बाकी रीजनल फोर्सेस को इमर्ज करने के लिए एक फर्टाइल लैंड प्रोवाइड कर दी। देखा जाए तो इन्हीं रीजनल प्लेयर्स में से एक प्लेयर था अबू मुसाब अल जरकावी, जो एक टाइम पर अफगानिस्तान में जिहादी ट्रेनिंग कैंप्स चलाता था और अलकायदा आतंकवादी संगठन के मेन लीडर्स में से एक था। दोस्तों, जरकावी को जब इराक में एक पावर वैक्यूम दिखा तब इसने साल 2004 में अलकायदा की एक ब्रांच ओपन की जिसका नाम उसने अलकायदा इन इराक यानी कि AQI रखा। दोस्तों, देखा जाए तो यही AQI ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर ISIS बनी। AQI ने बाकी आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर इराक में अमेरिकन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि अमेरिकन इराक में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना चाह रहे थे। वहीं AQI जैसे संगठन अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट को एक बाहरी दुश्मन ताकत और अपनी सॉवरेंटी पर हमले के रूप में देख रहे थे, इसीलिए AQI और उनके जैसे बाकी आतंकवादी संगठन जब तक अमेरिका इराक में रहा तब तक उससे लड़ते रहे। दोस्तों, AQI का हेड अबू मुसाब अल जरकावी एक प्रोफेशनल बॉम्ब मेकर और मास्टर स्ट्रेटजिस्ट था। सुसाइड बॉम्बिंग हो या फिर गुरिल्ला वॉर्स, जरकावी इसके जरिए अमेरिकन फोर्सेस की नाक में दम करके रखा हुआ था और जब भी अमेरिकन फोर्सेस इसका पीछा करते इसके करीब पहुंचती थी ये वहां से भाग निकलता था। लेकिन दोस्तों, साल 2006 के एंड में जरकावी एक US एयर स्ट्राइक ऑपरेशन में मारा गया। जरकावी के मरने के बाद अबू अयूब अल मसरी और अबू ओमार अल बगदादी ने AQI की कमान संभाली और कमान संभालने के कुछ समय बाद इन्होंने अलकायदा इन इराक को बदलकर इस्लामिक स्टेट इन इराक यानी कि ISI कर दिया और इस तरीके से दोनों ने मिलकर आज के ISI का फॉर्मेशन किया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। ये आतंकी समूह आगे जाकर कितना डेडली होने वाला है किसी ने सोचा तक नहीं था। साल 2007 तक आते आते ISI एक पावरफुल रीजनल फोर्स बन चुकी थी। पावर कंपैरिजन में इसकी तुलना
अलकायदा जैसे बड़े आतंकवादी समूहों से की जाने लगी। क्योंकि समय तक इराक में सिविल वॉर चल रही थी, इसलिए आईएसआई ने अपने अड्डे इराक में रखने सही समझे और इराक से बाहर एक्सपेंशन करने की नहीं सोची। दोस्तों, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इसने पूरी दुनिया से इस्लाम और जिहाद के नाम पर लड़ाकों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। बड़ी फोर्सेस और एडवांस आर्टिलरी के साथ आईएसआई ने इराक के कई हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया। लेकिन यूएस फोर्सेस की एयर स्ट्राइक्स के चलते आईएसआई वो पावर मेंटेन नहीं कर पाया जो वो हमेशा से चाहता था। देखा जाए तो साल 2008 में यूएस फोर्सेस ने आईएसआई के 8000 से ज्यादा लड़ाकों को मौत की नींद सुला दिया। इसके अलावा साल 2010 में एक ज्वाइंट यूएस इराकी गवर्नमेंट के ऑपरेशन ने आईएसआई के दोनों लीडर्स यानी अबू अयूब और अबू उमर को भी मौत के घाट उतार दिया। और इनके मरने के बाद दोस्तों अबू बकर अल बगदादी को आईएसआई का नया लीडर बनाया गया। दोस्तों, आज आप जिस क्रूएल आईएसआईएस को जानते हैं उसके पीछे इसी बंदे का हाथ था। सेक्सुअल स्लेवरी, ऑर्गेनाइज्ड रेप, यजीदीज का मास जेनोसाइड हो, स्टोन पेल्टिंग के जरिए किसी को मारना हो या फिर बी हेडिंग के वीडियोस को ऑनलाइन वायरल करना हो, ये सब इसके दिमाग की खुराफात थी। वैसे तो बगदादी खुद को अल्लाह का बाशिंदा कहता था, लेकिन काम उसके शैतानों वाले थे। दहशतगर्दी में बगदादी आईएसआईएस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया। देखा जाए तो उसी के राज में आईएसआई अपने असली रूप में आया और दिसंबर 2011 में अमेरिकन आर्मी के इराक छोड़ते ही आईएसआई अपनी टेरिटरी इराक के साथ साथ सीरिया की तरफ भी बढ़ाने लगा। साल 2012-13 में आईएसआई ने कई ब्रेकिंग वॉल कैंपेन लॉन्च की, जिसमें सीरिया और इराक की जेल्स को तोड़कर अपने लड़ाकों को छुड़ाया गया, हथियार लूटे गए और देखते देखते एडवांस आर्टिलरी और लड़ाकों की फौज के साथ आईएसआई दुनिया को हिलाने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, बगदादी के लीडरशिप में आईएसआई ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में खून की नदियां बहा दी। देखा जाए तो अप्रैल 2013 में बगदादी ने अपने लड़ाकों को इराक से सीरिया की ओर भेजना शुरू कर दिया और नुसरा फ्रंट, जो सीरिया की लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके साथ मर्ज कर खुद को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया डिक्लेयर कर दिया और दोस्तों इस तरह से आईएसआईएस बन गया। हालांकि कुछ ही समय में नुसरा फ्रंट के लीडर जुलानी ने मतभेद के चलते अपना सपोर्ट इस्लामिक स्टेट से लेकर अलकायदा को दे दिया। आई नो आप यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आखिर कौन किससे लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है। देखिए, आसान शब्दों में कहा जाए तो लड़ाई थी सत्ता हासिल करने की, चाहे वो इराक की सत्ता हासिल करनी हो या फिर सीरिया की। देखा जाए तो एक और इराक और सीरिया की लोकल गवर्नमेंट बॉडीज थी जिसको यूएस और यूएन की ओर से देश में सरकार चलाने की मान्यता मिली हुई थी और इराकी और सीरियन गवर्नमेंट की अपनी सेनाएं भी होती थी। दूसरी ओर इन देशों के अपने रीजनल आतंकवादी संगठन भी होते थे जो इन गवर्नमेंट्स के खिलाफ सत्ता और पावर हासिल करने के लिए लड़ जाते थे। और कभी कभी ये रीजनल आतंकवादी संगठन गवर्नमेंट और देश की सेनाओं के अलावा आपस में भी भिड़ जाते थे, जिससे आईएसआईएस एक तरफ इराकी सिक्योरिटी फोर्स के साथ लड़कर नई टेरिटरी को अपने कब्जे में कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये सीरिया में सीरियन मिलिट्री फोर्स के साथ साथ वहां के लोकल आतंकवादी संगठन जैसे कि नुसरत फ्रंट, अलकायदा, लिवाल तौहीद और अहराल अल शाम जैसे ग्रुप से भी लड़ रहे थे। क्योंकि उस समय आईएसआईएस के पास मिलिट्री संसाधन बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद थे, हथियार थे और अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट उस समय काफी कम था। ऐसे में देखा जाए तो इन्होंने तेज गति के साथ अपना प्रचार प्रसार किया और जनवरी 2014 में इन्होंने नॉर्दर्न सीरियन सिटी रक्का पर कत्लेआम मचाकर पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, कब्जे में लेने के बाद रक्का को ऑफिशियली आईएसआईएस एमिरेट्स की राजधानी बना दिया गया और इस टाइम तक आते आते आईएसआईएस एक फुल प्रूफ गवर्नमेंट की तरह वर्क करने लगी और इन्होंने खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का मसीहा कहकर बगदादी को खलीफा घोषित कर दिया। दोस्तों, जून 2014 में आईएसआईएस ने इराक के सेकेंड लार्जेस्ट सिटी मोसुल पर कब्जा कर लिया। आईएसआईएस ने मोसुल के अलावा टिरकेट जैसे बड़े इराकी शहर पर भी कब्जा कर लिया और 2014 से 15 के दौरान आईएसआईएस अपने पीक पर था। देखा जाए तो इस टाइम पीरियड में आईएसआईएस ने 1/3 सीरिया को एंड 40% इराक को अपने कब्जे में कर लिया था। साथ ही इराकी मोसुल डैम पर कब्जा कर 5 लाख से ज्यादा इराकी जिंदगियों को भी दाव पर लगा दिया गया था और तेल के कुओं पर कंट्रोल कर उनकी स्मगलिंग से पैसे कमाए जाने लगे। दोस्तों, 2016 में अकेले इराक और सीरिया से अलग 1200 लोगों की हत्याएं कर दी गई और ये हत्याएं वेस्टर्न सिटीजन्स के साथ साथ अरब कंट्रीज के लोगों की भी थी।
शिया मुस्लिम्स पर टारगेट्स किलिंग्स की गई, चुन चुन कर लोगों को मारा गया, पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों को निशाना बनाया गया और उनकी मस्जिदों को भी उड़ा दिया गया। इन सब के अलावा मास बीहेडिंग करना, लोगों को जिंदा जलाना, सर में गोली मार देना और सर धड़ से अलग कर देने जैसे क्रूएल एक्ट्स की वीडियो सामने आने लगी। अमेरिकन जर्नलिस्ट का सर धड़ से अलग करना, टर्की में सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ा देना, यूएसए फ्लोरिडा में मास शूटिंग करना या फिर फ्रांस के बीच पर लोगों को ट्रक से कुचलने जैसे टेररिस्ट एक्ट्स करके आईएसआईएस ने दुनिया भर में खलबली मचा दी। मास रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चलाए जाने लगे। दुनिया भर के एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए सीरिया और इराक जाने लगे। लेकिन दोस्तों, इतने पावरफुल होने के बाद भी ये संगठन अंदर ही अंदर ऐसी कुछ गलतियां कर रहा था जिसके चलते इसका डिक्लाइन होना भी शुरू हो गया। देखा जाए तो जुलाई 2017 में आईएसआईएस ने अपने सबसे इम्पोर्टेंट अड्डे मोसुल शहर को इराकी सेना के जोरदार हमले से खो दिया और इसके तुरंत बाद ही रक्का को भी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने अपने कब्जे में कर लिया। ऐसे में दिसंबर 2017 तक आते आते आईएसआईएस ने अपने 95% इलाकों को खो दिया। साथ ही इनकम के भी सभी सोर्सेज बंद हो गए। आईएसआईएस जो किडनैपिंग, ऑयल स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सोर्सेज से पैसे कमाता था, उन सोर्सेज के बंद हो जाने से आईएसआईएस को मछली बेचकर अपना गुजारा करना पड़ा। दोस्तों, उसके बाद बचे खुचे लड़ाके या तो अंडरग्राउंड हो गए या फिर मारे गए और मार्च 2019 में आईएसआईएस के आखिरी बचे हुए गढ़ यानी सीरियन टाउन अल बाघूस फौकानी को भी उससे छीन लिया गया और इस कॉन्फ्लिक्ट में आधे लड़ाके मारे गए और जो बचे उन्होंने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि 2016 तक जहां आईएसआईएस अपने पीक पर था, मास किलिंग्स और बॉम्बिंग डेली लाइफ का काम थी, अपनी गवर्नमेंट तक आईएसआईएस रन कर रहा था यानी एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था और सालाना $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, ऐसे में उसकी ऐसी नौबत क्यों आई कि वो मछली बेचने और सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों, उसके कई कारण हैं और इन कारणों को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इनमें से कई कारण हमें आतंकवाद को काउंटर करने के लिए एक बहुत अच्छी सीख दे जाते हैं। दोस्तों, आईएसआईएस ने स्टार्टिंग में कुछ सुन्नी ग्रुप्स का सपोर्ट हासिल किया। जब उसने खुद को मुसलमानों का मसीहा कहा तो लोगों में एक प्राइड की भावना जगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता आईएसआईएस की असलियत पब्लिक एग्जीक्यूशन, स्लेवरी और मास किलिंग्स के रूप में सामने आने लगी और इसने लोकल्स लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिसे वो अपना मसीहा मान रहे हैं वो सिवाय कत्लेआम के और कुछ नहीं कर रहा है। देखा जाए तो इससे लोकल्स का सपोर्ट आईएसआईएस को मिलना बंद हो गया। इसके अलावा आईएसआईएस एज गवर्नमेंट वर्क कर रही थी और गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करना, लेकिन आईएसआईएस इस काम में टोटली फेल रही। बिजली, पानी और खाना जैसे चीजों की भारी किल्लत होने लगी जिससे लोकल जनता आईएसआईएस से खींच गई और उन्होंने अपना सपोर्ट धीरे धीरे वापस लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे जैसे आईएसआईएस ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया वैसे वैसे उसके लिमिटेड रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ने लगा और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट का काम ही यही होता है कि लोगों को बेसिक कमोडिटीज प्रोवाइड की जाए, बट आईएसआईएस एक सिरे से जमीन पर कंट्रोल तो करते जा रहा था पर अर्निंग सोर्स के नाम पर उसके पास कोई भी एक ठोस सोर्स मौजूद नहीं था और दोस्तों यही कारण था कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आने शुरू हुई और बाद में आईएसआईएस उन जगहों पर भी कंट्रोल नहीं बना पाया जो कि उसकी टेरिटरी में थी। दोस्तों, देखा जाए तो आईएसआईएस के मोस्टली टॉप रैंक्स पर सुन्नी मुस्लिम्स को ही रखा जाता था और बाकी मुस्लिम्स ग्रुप्स के लड़ाकों के साथ भेदभाव किया जाता था, जैसे इंडिया या फिर सब कॉन्टिनेंट से गए मुस्लिम्स को सिर्फ टॉयलेट साफ करने जैसे काम दिए जाते थे, जबकि बड़ी रैंक्स अरब मुस्लिम्स को ही मिलती थी और वो भी सिर्फ सुन्नी ग्रुप के लोगों को। दोस्तों, इसके चलते भी ग्रुप के अंदर दरार बननी शुरू हो गई। जो लड़ाके दुनिया भर से आईएसआईएस को ज्वाइन करने आए थे वो अपने साथ हो रहे इस भेदभाव के चलते वापस जाने लगे। आईएसआईएस एक ग्लोबल डेंजर के रूप में सामने आ चुका था। बांग्लादेश से लेकर टर्की, फ्रांस हो या यूएसए या फिर दूर कोने में बसा ऑस्ट्रेलिया, आईएसआईएस के गुर्गों ने शायद ही ऐसी कोई कंट्री छोड़ी होगी जहां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उन्होंने हमले की साजिश न रची हो। दोस्तों, आईएसआईएस ने मोस्टली हर कंट्री में अपने हमले करने की कोशिश की जिसे लड़ने के लिए सभी कंट्रीज का आपस में आना एक मजबूरी बन गया। दोस्तों, इस अलायंस ने आईएसआईएस पर मिलिट्री ऑपरेशन कर आईएसआईएस के कब्जे वाले जगहों को जल्दी ही छुड़वा दिया, बैक टू बैक हमले कर और ड्रोन स्ट्राइक से अड्डों को उड़ाकर इंटरनेशनल अलायंस ने आईएसआईएस को घुटनों पर ला दिया। दोस्तों, इन्हीं एयर स्ट्राइक्स में
आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी भी मारा गया और जब से वो मरा है तब से संगठन काफी कमजोर पड़ गया है। देखा जाए तो आईएसआईएस की सैन्यहार इराकी फोर्सेस, सीरियन फोर्सेस और इंटरनेशनल फोर्सेस सहित बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स के एक साथ मिलकर प्रहार करने से हुई है। आईएसआईएस ऑयल की स्मगलिंग, जबरन वसूली और लूटपाट के जरिए ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे कमाता था। इसे भी इंटरनेशनल अलायंसेस ने मिलकर आईएसआईएस के फंडिंग सोर्सेज को भी बंद कर दिया और इसके अलावा जिन तेल के कुओं पर इनका कंट्रोल था उसको भी वापस ले लिया गया। दोस्तों, जब से इन रिसोर्सेज को बंद किया गया तब से आईएसआईएस के पास नए लड़ाकों की भर्ती के साथ साथ एग्जिस्टिंग लड़ाकों को देने के लिए पैसे नहीं बचते थे। साथ ही दुनिया भर की सरकारों और सुरक्षा एजेंसीज ने आईएसआईएस के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पॉसिबल लीड्स और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को साझा किया ताकि मिलकर इसको खत्म किया जा सके। दोस्तों, ये बात हम आपको शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि आईएसआईएस ने खुद को सुन्नी मुसलमानों का मसीहा कहा, लेकिन जिस एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी को आईएसआईएस प्रमोट करता था वो कहीं ना कहीं लिबरल मुस्लिम्स को पसंद नहीं आती थी। अब जाहिर सी बात है, आप मुसलमान हो या चाहे हिंदू, आखिर कौन एक ऐसे ग्रुप या फिर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना चाहेगा जो ह्यूमन बीहेडिंग को प्रमोट करता हो। दोस्तों, इसके अलावा देखा जाए तो आईएसआईएस की एक्सट्रीमिस्ट क्रूएल एक्ट्स ने लोकल लोगों का सपोर्ट तो खींचा ही, साथ ही दुनिया भर से मिलने वाले सपोर्ट को भी कम कर दिया। दुनिया भर की गवर्नमेंट, रिलीजियस ग्रुप्स और समुदायों ने आईएसआईएस की इस भयानक आइडियोलॉजी को काउंटर करने में अपनी एक अलग आइडियोलॉजी रखी जो इस्लाम की सही और सच्ची एजुकेशन पर बेस्ड थी, प्यार और ह्यूमैनिटी पर बेस्ड थी, ना कि धर्म के नाम पर लोगों को मारने पर। दोस्तों, इन सब के अलावा गवर्नमेंट ने आईएसआईएस के एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले ऑनलाइन कंटेंट पर बैन लगाना शुरू कर दिया और जो पॉसिबल रिक्रूटर इनके कॉन्टेक्ट में थे उनको बीच में ही पकड़कर उनको ब्रेन वॉश होने से बचाया गया। साथ ही पहले से ब्रेन वॉश्ड हो चुके लोगों के लिए डी रेडिकलाइज प्रोग्राम चलाए गए ताकि लोगों के जहन से रेडिकल एलिमेंट्स को निकालकर उनको इस्लाम की नई परिभाषा सिखाई जा सके और उनको सही और गलत में फर्क दिखाया जा सके। इसके अलावा सीरियन और इराकी गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर्स पर सुरक्षा को और मजबूत कर दिया जिससे नए रिक्रूटर्स आईएसआईएस में शामिल ना होने पाए और इन सभी कारणों ने आईएसआईएस की कमर तोड़ दी। देखा जाए तो आईएसआईएस सीरिया के कुछ पार्ट्स में एक्टिव है और वो भी बस अंडरग्राउंड होके, और इसकी वजह ये है कि अगर ये बाहर आए तो इंटरनेशनल अलायंसेज इनके ठिकानों को नस्तनाबूद करने में एक भी सेकेंड की देरी नहीं करेंगे। दोस्तों, अंत में हम ये कह सकते हैं कि आईएसआईएस की विफलता हमें कई सीख देकर जाती है। सबसे पहले ये हमें इंटरनेशनल अलायंसेस की इम्पोर्टेंस को समझाती है, क्योंकि जब आईएसआईएस अपने पीक पर था और उसको रोका जाना बहुत मुश्किल था तब इंटरनेशनल कोऑपरेशन और अलायंसेस ने मिलकर इस वैश्विक खतरे को रोका था। इसलिए फ्यूचर में आईएसआईएस जैसे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के लिए ऐसे अलायंसेस का बने रहना बेहद ही जरूरी है। साथ ही आपसी टसल को भुलाकर कंट्रीज को आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा रेडिकल आइडियोलॉजी के सोर्स पॉइंट पर ही लगाम लगाई जानी चाहिए जिससे ये एक्सट्रीमिस्ट थॉट किसी का भी ब्रेन वॉश न कर सके, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इंडिया में भी ऐसे ही प्रोपोगेंडा कंटेंट को देखकर लोगों ने आईएसआईएस को ज्वाइन किया था। दोस्तों, गवर्नमेंट्स और रिलीजियस गुरुओं को इन रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी पर लगातार प्रहार करते रहना चाहिए जिससे इनके पाखंड का भंडाफोड़ हो और कोई भी इनकी बातों में ना आए। इन सब के अलावा फ्यूचर सीक्रेट इनपुट्स पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पीक पर पहुंचने से पहले ही इन्हें पूरी तरह से नष्ट करना होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट का आपसी सहयोग बने रहना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, आईएसआईएस की हार के बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को सीरिया और इराक जैसे देशों में हुई तबाही के रिस्टोरेशन पर भी मदद के लिए हाथ बढ़ाने चाहिए। साथ ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोशिशें की जानी चाहिए, ऐसा क्योंकि देखा गया है कि इंस्टेबिलिटी ही ऐसे अराजक तत्वों को आने के लिए मजबूर करती है। फिलहाल अभी आईएसआईएस अंडरग्राउंड होकर साल में कुछ हमले करता है। 2023 में ही अकेले आईएसआईएस ने 6 हमलों की जिम्मेदारी ली है, ऐसे में हम ये कह नहीं सकते कि खतरा टल गया है। दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। आपको क्या लगता है, क्या आईएसआईएस फिर से वैसी ताकत हासिल कर पाएगा जैसी कि उसकी ताकत पहले हुआ करती थी, या फिर अब उसका फिर से खड़ा हो पाना मुश्किल है, या कहीं उसकी जगह अलकायदा तो नहीं लेने वाला है? दोस्तों, सवाल का जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी ऐसे ही और हाई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।